राज्यसभा चुनावों के लिए कल मतदान होना है। राजस्थान विधानसभा में मतदान होगा। आपको बता दें कि 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी इस मैदान में हैं। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक की वोटिंग होगी। शुक्रवार शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर प्रमिल कुमार माथुर है और राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। विधानसभा के साउथ गेट पर मीडिया से रूबरू हो सकेंगे विधायक और विधानसभा में मतदान और मतगणना स्थल पर मीडिया पर रोक रहने वाली है। जी हां, कोरोना महामारी के कारण इन चीजों को दिया गया है हवाला। पश्चिम पोर्चे पर मीडिया को वीडियो लिंक उपलब्ध करवाने की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कल दिन है मतदान का और मतदान और मतगणना स्थल पर मीडिया के जाने पर रोक है। कोरोना के चलते इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी है और राजस्थान विधानसभा में मतदान होना है। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। शुक्रवार से मतगणना यहां प्रारंभ होगी और 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत मैदान में हैं। रिटर्निंग ऑफिसर है इसमें नियुक्त किए गए प्रमिल कुमार माथुर। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की लगभग सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, लेकिन मीडिया पर प्रतिबंध है। मतदान और मतगणना स्थल पर कोरोना के चलते, स्वास्थ्य कारणों के चलते यह आदेश जारी किया गया। पश्चिम पोर्च पर मीडिया को वीडियो लिंक उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था हालांकि रहेगी और राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान कल 9 से शाम 4 बजे तक होने वाला है। राजस्थान विधानसभा में मतदान होगा। शुक्रवार से मतगणना शुरू हो जाएगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि कल तो मतदान का दिन है। किस प्रकार से दोनों खेमों में आज रणनीति बनाई जा रही है और किस चीज पर विशेष फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जयती, राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल मतदान होगा। विधानसभा में मतदान होगा। सुबह 9 से 5 बजे तक का मतदान का कार्यक्रम होगा और जी, सभी जो विधायक हैं राजस्थान विधानसभा के 200 जो विधायक हैं वो इसके लिए मतदान करेंगे। दोनों पार्टियों की ओर से होटल में रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं होटल जेडब्ल्यू मैरियट में हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और जो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी रणनीति बनाई जा रही है। आज वोट खोल के ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद विधायकों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कल यहाँ से बस के द्वारा उनको सभी को एक साथ विधानसभा ले जाया जाएगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा में मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद 5 बजे मतगणना शुरू होगी जी, और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिनेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना महामारी के चलते मीडिया को उस जगह से दूर रखा गया है अभी, हालांकि पश्चिम पोर्च पर लिंक उपलब्ध कराया जाएंगे, इसके बारे में क्या पूरी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जयती, COVID-19 की जो भी गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करने के निर्देश निर्वाचन विभाग चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं जी। पूरी गाइडलाइन की पालना करनी होगी। तमाम जो मतदाता है MLA वो वोट करेंगे, वो भी गाइडलाइन की पूरी पालना करेंगे। साथ ही मीडिया को भी अलग से व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही जो COVID-19, देखिए बड़ी बात यह है कि COVID-19 से जो संक्रमित या कोई मतदाता हो या फिर क्वारंटीन किया गया हो ऐसे मतदाता, तो उनको बैलेट पेपर की सुविधा भी दी जाएगी जी। कांग्रेस के एक विधायक है वाजिब अली नगर से, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, आज उनके आने की संभावना है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि उनको क्या विदेश से आने के बाद क्वारंटीन किया जाएगा जी। इसमें बड़ी बात थी, तो निर्वाचन चुनाव आयोग की ओर से ये पूरी व्यवस्था की गई कि अगर कोई संक्रमित है COVID-19 से या फिर ऐसे उनको क्वारंटीन किया गया है, तो ऐसे जो मतदाता हैं उनके लिए पूरी गाइडलाइन तय की गई है। उनको बैलेट पेपर की सुविधा दी गई है और बैलेट पेपर को
शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश करना होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया दिनेश।